पैड का आज के टाइम में मेरे ख्याल मिनिमम 65,000 70,000 के बीच में होगा, ये हम आपको दे देंगे 23,800 में। सीरियसली और ये सबसे महंगा है, क्या ये यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है। अब यही टच स्क्रीन वाला लैपटॉप, ये देखो यही सेम टच स्क्रीन के साथ लैपटॉप, ये i3 6th generation 8GB रैम 256GB SSD है, ये भी टच स्क्रीन के साथ है और बैकलाइट कीबोर्ड भी है। ये लैपटॉप आपको पड़ता है 14,000 का, 15.6 इंच का ब्रांड न्यू लैपटॉप है। लैपटॉप की कॉस्ट 19,000, GST पेड है, 6 SSD है, ये 10,500 का GST पेड विद रैम SSD 3 ईयर वारंटी है। ये सस्ते क्यों ने, ये कुछ है सारा कुछ है। और ये सेगमेंट शुरू होते हैं 15 इंच से, सबसे पहले आता है 15 इंच, वो आता है 24,900 का, ठीक है। फिर आता है 55 इंच, वो आता है 28,500 का, ठीक है। फिर आता है 65 इंच, दिस इज फॉर 43,500। हाँ जी मेरे दोस्तों, की हाल चाल है, उम्मीद है सारे वधिया होंगे। मैं है दयाकरन, तुम देख रहे हो दयाकरन व्लॉग्स। जिमें कि तुम फ्रंट से थोड़े जे शॉट देख ले होने हैं, तो बई तुम सोच रहे होने कि यह समान कितों मिलेगा, तो फिलहाल मैं थोड़ा दसना चाहना, मैं खड़ा चंडीगढ़ से, मैं अपने परसनल कामों आया सी। परसनल मीनस के क्योंकि असी भी एडिटिंग वगैरह जहाँ साडा भी टैक्नोलॉजी बहुत व्डा रिश्ता है, क्योंकि उस तो बिना असं भी कहे जोगे नहीं। तो मेरा कहता हरेक बंद का ही है ना, हरेक बंद अजक टैक्नोलॉजी नाल, किसी गेमिंग सिस्टम चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए ने, किसी कंप्यूटर चाहिए ने, किसी कैमरे चाहिए ने, किसी हार्ड ड्राइव्स चाहिए ने, मतलब इदा का समान जो IT सैक्टर का आप कह सकते हैं सारा का सारा उत्थे मैं आया वा। कि मेरे पिछले बने एक तुम पहली जगह देख सकते हो कंप्यूटर हाउस करके सारा बाई का हैगा, एग्जैक्ट बाई का किस नाम नाल की काम है, किदा का स्टोर है, आप अंदर जाके थोनू दिखावे। पर जेड़े वीर भरा पुछे भी लोकेशन की है, तो मेरे बिल्कुल ओपोजिट साइड इतने JW मैरिड हैगा, तो पिकार्डली वाला चौंक है, तुम ये चलता देख सकते हो, तो उत्थे आ सकते हो। तो बाकी पहली गल नाल क्लीयर कर दें, जो चलता हुआ नंबर है उत्थे कॉल कर लियो आने तो पहला, फिर लाइक भी किन्ने तो किन्ने बजे ओपन है, ठीक है, क्लोज़ है, क्योंकि दूर बारे वीर भरा भी आवगे तो कई बार तंग ना हो। बाकी तुम व्हाट्सएप पर गल कर सकते हो, इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो, आओ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थोड़ा, तो चलते हैं अंदर, क्योंकि बाई को जो समान मिलने वाला ना वो थोड़ू कितने नहीं मिलना। रीज़न की है कि बाई डिस्ट्रीब्यूटर खुद डायरैक्ट कंपनी तो समान लैके तो थोड़ू देंगे ने, कोई रिवेच डीलर नहीं है, कोई कुछ उदा का सिस्टम नहीं है, तो इस करके बहुत ही जैनुअन तो बड़ा ही लाइक थोड़ू समान जो कि वधिया मिलेगा। आओ चलते हैं दिखाने थोनू बई, ये सारे ब्रांड बाई को मिल जाएंगे, जिमें कि तुम देख सकते हो गेमिंग PCs लिखे ने, प्रिंटर्स लिखे ने, डैस्कटॉप लिखे ने, लैपटॉप, LED TV, CCTV। ये बोट के साउंड बार्स, बोट के वायरलेस, ये भी भाई अपने को किन्ने तो शुरू हो जाते हैं आइडिया, कोई प्राइस दस? साउंड बार्स वगैरह 2000 से शुरू है बोट के, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई हुण दा भाई सारा स्टोर आ गया, ठीक है। तो वैसे तो बहुत बिजी रहता है, तो अज असी वीडियो करके व्लॉग करके थोड़ा जिहा रखा लिया खाली, तो भाई इतने हुण आपां इधरों शुरू कर लिए तो चंगी गल है। यहाँ पर सारे PCs यहाँ से मिले, तो अब ये आपको दिखाता हूँ। गेमिंग PC में ना लोग बोलते हैं कि 10,000 रुपये का PC, 12,000 रुपये का PC, 50,000 काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये किसी ने बोला कि हमें बजट में चाहिए, ये 12,000 का PC बना है, गर्वे खोना। ये भी गल एक पूछनी चाहता सी वैसे, कि बहुत सारे लोग कई बार मैं भी वीडियोज़ या मैनू भी शेयर कर देंगे लोग भी भाई आ इन्ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों अजकल सोशल मीडिया से फायदे भी ने नुकसान भी ने, है ना। कई लोग यह कह लग जाते कि भाई आ 10,000 रुपये की चीज़ आ ये सच्ची इन्ने की होगी, वो की सिस्टम होता है कि वो चीज़ तो 10,000 की होती है, जिसको ये बोल के बेचा जाता है कि मैं 50,000 का गेमिंग PC आपको 10 में दे रहा हूं, वो है 10 का, वो 10 का भी नहीं बल्कि वो 7 का होगा, तब 10 में दिया जा रहा है। पर बस लोगों बस ये कह देते हैं 4GB ग्राफिक कार्ड वहाँ बात करते हैं, वहाँ पर 30,000 का मिनिमम PC बनता है जो स्टोर में, ये सामान हम उस स्टोर में नहीं रखते। उसके लिए ओके, लेकिन अगर बंदा बोले मुझे प्रोफेशनल गेमिंग करनी है, प्रोफेशनल वर्क करना है, 4GB ग्राफिक कार्ड चाहिए, उसके लिए PC नहीं है। पूरी टीम है भाई को, भाई ये कैमरे वगैरह ने की पे सारा CCTV आ गया, एक्सेसरी आ गया, क्विक हिल आ गया, मतलब ये भी अपने को सारा हैगा, है ना। ये की लाइक प्राइस मार्केट नालों को मैंने आपको बताया पाजी, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैं बीच में किसी कोई डीलर हो कि मैं उससे लेके दे रहा हूँ, मेरे पास जितने प्रोडक्ट है वो सारे कंपनी से ही डायरेक्ट आते हैं, ठीक है भाई। ये तुसी देख सकते हो कली कली चीज दे, रेट नहीं दस सकते हो, तुसी बाई नहीं गल करो, बाकी इसका अपने पास पूरा पूरी रेंज है, हर एक ब्रांड के ऑलमोस्ट, WD, सैमसंग, एसर, ए डाटा, सारे ब्रांड्स है, ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आ जाती है, सारी आ जाती है ना। तो पिछले सारे कैमराज या होर छोटे छोटी एक्सेसरियां सारियां, जिदा कि रूटर्स पे ने, है ना, वाईफाई दे, सारा कुछ ही थोड़ा इतने मिल जूगा A to Z, तो कैमरिया के भी सारे ब्रांड ही मिल जाएंगे बई, तो कोई वह जहाँ चक्कर नहीं है। तो इधर ये पे ने सारे छोटे, ये सारे वायर्ड माउस आ गए, ठीक है, वहाँ सारे वायरलेस माउस आ गए। ये जो नीचे मदरबोर्ड है, ये बेसिकली ये मदरबोर्ड बाहर इसलिए नहीं क्योंकि ये एंट्री लेवल, ये 10-15,000 का सिस्टम बनते हैं, ये वो मदरबोर्ड सिस्टम है, ओले है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ा तो कोई भी साढ़े को कोरियर मंगा सकता है, है ना, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट तो कोई भी चाहिए, जिदा किसी कैमरे चाहिए ने, किसी लाइक माउस चाहिए ने, कहीं पर भी कोरियर के हमारे पास चार्जेस भी बहुत कम चार्जेस पे ही हम कोरियर करेंगे, ठीक है।
और वो भी सर जाता है ना, वो बेटर चीज है क्योंकि वारंटी जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना उसकी वारंटी ऑल ओवर इंडिया सारे सर्विस सेंटर्स में, उसके लिए ये नहीं है कि आपको मेरे पास ही आने सर्विस देने। ठीक है, ये माउस आगे पर हूँ जो हरेक बंदा ही भाल रहा है कि मैनू बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे कि भाई सानू लैपटॉप चाहिए तो पीसी चाहिए। ठीक है, वो वास्ते भी अभी थोड़े को थोड़े लिए एक सरप्राइज है भाई ने जो कि मैंने जो फोन पर गल हुई तो मैं कि भाई मैं आना तो है ही, आप जरूर इन डिस्कलोज कराएं क्योंकि जो प्राइस से भाई थोड़ा ये चीज़ें देन लगे हैं जो सिस्टम ने तुम कितों नहीं मिलनी है, ये नहीं कला भी दे ही रहे हैं विद गरंटी भी दे रहे हैं। विद गरंटी, ये सारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे ये डेल का सिस्टम आ गया, ये i5 6th जनरेशन है, 8GB रैम है, 256 SSD है, ये 10,500 का GST पेड विद रैम SSD 3 ईयर वारंटी है। ये इन्हें सस्ते क्यों ने, ये बेसिकली ये रिफर्ब है, ये ब्रांड न्यू नहीं है, यही सेम पीसी अगर आप ब्रांड न्यू लेते तो इसकी कॉस्ट अराउंड 45-50 के बीच में है। क्या बात है, इतना डिस्प्ले वगैरह भी आपा देने का, वही आपको डिस्प्ले बताया, 19 इंच का डिस्प्ले इसके साथ 3000 का लगा, 3000 2250 का है। ठीक है, वो लागे ना बड़ा वधिया चल रहा है, अराउंड 13500 में आपका पूरा पीसी रेडी हो रहा है। ठीक है, एक ही ये सारा है, ये टाइनी पीसी है, किसी को अपने साथ पीसी कैरी करना होता है। अच्छा, कि हमें अपना पीसी साथ में कैरी करना है, ये प्रॉपर पीसी है, इसमें ये नहीं है कि ये कुछ कम काम करेगा, ये भी i5 है। अच्छा। ये भी 8GB रैम 256GB SSD है, उल्टा ये 9500 का है। क्या बात है, इधर ना एक सिर्फ स्क्रीन पे के चकना जिसे मर्जी लाओ, जब मर्जी लगाओ चलाओ, चाहे पीसी लेके जाओ कभी टीवी के साथ जोड़ दो। जिन लोगों ने घर पे टीवी रखा होता है, टीवी के पीछे ये क्लिप हो जाता है। ठीक है, आपके टीवी के अंदर बस मोड चेंज करो, आपका टीवी कंप्यूटर भी बन गया, वायरलेस कीबोर्ड माउस लेके आप बेड पे बैठकर आराम से काम करो। ये तो मेनली भी एक नई चीज मुझे पता लगी है। ओके, एक ही कॉस्ट कर देने, ये 9500 का है, और ये मैं आपको अच्छे वाले बता रहा हूं, i5 6th जनरेशन। देखो कुछ पीसी ये भी आते हैं जैसे i3 4th जनरेशन 4GB रैम 256GB SSD, ये 5950 GST पेड है। तुसी भाई ने लिस्ट ही रखी हुई है, जस्ट ए भाई एक चीज इथे पहला क्लियर कर देने कि आज दा टाइम दे हिसाब नाल है, हुण ए ना होवे कोई 6 महीने बाद या साल बाद सानू कॉल करे, अगर रेट चेंज भी होंगे तो बहुत मिनिमल ऊपर नीचे, ये नहीं होगा कि 5। तुसी सारे रेट्स जेडे ने आईडिया तुसी देख सकदे हो। ठीक है, अब ये देखो इसमें टाइनी पीसी आ गए छोटे वाले, उसमें भी 4, 6, 7 जनरेशन आ गई, फिर 4th जनरेशन भी है, 6th जनरेशन भी है, 7th जनरेशन भी है, 8th जनरेशन भी है। सारे दे प्राइस है, एक आईडिया देता थोनू, बाकी कॉल ते गल कर लियो। अच्छा, ये सारे मॉडल्स आ गए है ना, ये सारे डिफरेंट मॉडल्स आ गए। भाई इसकी कितनी की गारंटी मिल जाती है? इसमें रैम एसएसडी की 3 ईयर वारंटी, क्योंकि वो हम ब्रांड न्यू डाल रहे हैं, सिस्टम ये रिफर्बिश होता है उसकी 1 ईयर वारंटी है। ठीक है, बाकी भाई ये सारे ब्रांडा ने, डेल आ गया, ठीक है, जिदा ये लिनोवा आ गया, ठीक है, सारे आ गए। हुण आ जिहड़ी चीज है ना भाई, ये सारे दी लोड वाली है, ये तो हरेक बंदा ही अजकल चाहता भी मेरे को होना ही चाहिए है ना। तो भाई एक ही चीज़ है, तो एक ये भी किन्ने प्राइस में ना, पुराने लैपटॉप दो तरह के होते हैं, एक होता है रिफर्बिश, एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड होते हैं, सपोज आप मेरे पास लाए हो, मैंने आपका लैपटॉप खरीदा और मैं आपके कस्टमर को बेच रहा हूँ, उसमें मैं नहीं जानता आपने मुझे रिपेयर चीज दी है, आपने मुझे खराब चीज दी है, एटलीस्ट ये कंपनी से रिफर्ब चीज आ रही है। ठीक है, ये आप लैपटॉप लेके जा रहे हो, कंपनी प्रॉपर चेक करके देती है, और हमारी तरफ से भी इसकी 15 डेज की गारंटी रहेगी कि आप एटलीस्ट चेक करके आपको पता चले अगर लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अगर बाय चांस कोई इशू है तो आपको 15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, हुण एक गल ये दस्सियो, ये सारे प्रोफेशनल ने? ये सारी वैसे तो देखो जो रिफर्ब में आती है ना प्रोफेशनल सीरीज आती है, इसमें कंज्यूमर नहीं होती। ठीक है, अब प्रोफेशनल का ये फायदा है, थोड़ा रफ एंड टफ होता है और यूज भी उसका हैवी होता है, सारे बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। जैसे वो ये देखो लैपटॉप, ये i5 8th जनरेशन है, 8GB रैम 256GB SSD। अच्छा, 360 टच के साथ है ये लैपटॉप, थिंकपैड का आज के टाइम में मेरे ख्याल मिनिमम 65,000-70,000 के बीच में होगा। हाँ। ये हम आपको दे देंगे 23,800। सीरियसली, और ये सबसे महंगा है। क्या बात, ये यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है, और ये सबसे महंगा है। क्या बात, ये यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है। अब यही टच स्क्रीन वाला लैपटॉप ये देना शिवम, पीछे वाला ये देखो, ये ही सेम टच स्क्रीन के साथ लैपटॉप, ये i3 6th जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD है, ये भी टच स्क्रीन के साथ है और बैकलाइट कीबोर्ड भी है। ये लैपटॉप आपको पड़ता है 14,000 का। भाई ये तो बड़े जेन्युइन है भाई, ये तो थोड़े वास्ते ना भाई, ये तो भाई ने थोड़े वास्ते एक लॉटरी ही देती, मैनू भी लगता है, क्योंकि हरेक बंदा चाहता सी मैं बड़े पैसे ना, क्योंकि 50,000 तो थले लैपटॉप तो कोई भी नहीं किसी को मिलता। i3 लैपटॉप इस टाइम पे विदाउट टच बेसिक लैपटॉप मिनिमम 35,000 का आता है, और आपको 14,000 में विद टच मिल रहा है, तो विद गारंटी मिल रही है थोड़ा, जिन्हें टाइम की भी हैगी है भाई दे रहे हैं। बाकी है कि फिर भी भाई हुई है अवेलेबल ने, कोई इशू पवे तो थोड़ा इतों जेन्युइन समान कल पै के तो सर सर, पर यह इशू आना नहीं। ठीक है, तो भाई ये सारे जब हम HP डेल डेल लिनोवो, ठीक है, मेन तो ये तीन ब्रांड ही है, तीनों ब्रांड अपने तीनों ब्रांड, तो बाकी दा कोई एप्पल दा जेड़े हुंदे वो नहीं आपा डील करदे, एप्पल भी आते हैं बट वो बीच में एक बार लॉट आता है, वो आप पूछ सकते हो, आता है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भाई बहुत ही जेन्युइन चीज मैनूं लगी है, तो इस लिए तुसीं स्पेशली कॉन्टैक्ट कर लो, जिहड़े बंदे काम वाले ते घट पैसिआं सारना चाहुंदे आ, ते बड़े वधिया चीज़ां ये हैगीआं बाई कोल इत्थे अवेलेबल ने। ते भाई ये पिछले बन्ने फिर ये समान होर, ये सारे टोनर्स वगैरह हैं, जितने भी प्रिंटर्स आते हैं हर प्रिंटर को टोनर रन करता है, तो इमेज किंग की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इमेज किंग कोई मर्जी प्रिंटर आपको हर प्रिंटर का एक टोनर मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, इधर ये आगे ये सारे हेडफोन्स का सेक्शन आगे, इसमें वायर्ड हो के कॉल सेंटर्स होते हैं, उनको USB हेडफोन चाहिए होते हैं, राउंड पिन चाहिए होते हैं, तो उसमें फिंगर्स, क्वांटम, ज़ेब्रोनिक्स
ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 4000 ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, 4000 ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ 4000 ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬਾਈ, HD ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਨੇ। HD ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਬਰੋਨੀ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਪੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ 29000 ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਸਪੀਕਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੇਟੀ ਪੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੋਲਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੀਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਦਾਮ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੋ IT ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਨਿਊ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੋ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਨਿਊ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲੋ ਬਾਕਸ ਪੈਕਡ ਹੋਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਓਪਨ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ i3 11 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 8GB 256GB ਲੈਪਟਾਪ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਰੇਟ ਉਸਕਾ 36-37 ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ 30,800 GST ਪੇਡ ਵਿਦ ਵਨ ਵਿਦ ਆਨਸੈਟ ਬਾਈ HP ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਲੌਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਪਟਾਪ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਗਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੀਫਰਨਿਸ਼ਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ HP ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ HP ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਬਾਈ HP ਹੈ, ਆਪਕੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, GST ਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਸੇਜ ਸਪੋਜ਼ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੋ HP ਉਸਕੇ ਘਰ ਪੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗੀ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ ਕਭੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਸਟ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਬਤਾਉਂ, ਬੈਸਟ ਨਾ ਕਭੀ ਲੈਪਟਾਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਕੇ ਯੂਜ਼ ਪੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਅਗਰ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਭੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਇੰਟਲ AMD ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। बच्चे है 10th क्लास से नीचे, उन्होंने नॉर्मल स्कूल के प्रोजेक्ट करने होते हैं, सफिशिएंट उनके लिए, तो ठीक है भाई। इस करके भाई ये भी चीज़ें इतने अवेलेबल ने, कोई ये ना सोचो कि सारा इतने सारा कुछ बजा, जस्ट वो बाई को एक ऑप्शन है थोड़े वास्ते, फिर घट दे भी बाई थोड़ा सार देंगे, ठीक है, उससे कम में भी यहाँ सब कुछ मिलेगा, और अगर आपको प्रोफेशनल प्रोफेशनल सबसे अच्छे सॉल्यूशन चाहिए वो भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर कोई स्मार्ट TV भी बाई होनी, कहते भी दिखा देते हैं, निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पर रख के चलाओ ना TV। तो दोस्तों वैसे जस्ट डेमो ही दिखा रहे हैं कि ये जो कि इनू कहने असेंबल्ड असेंबल TV है, स्मार्ट TV है, फ्रेमलेस है। अच्छा फ्रेमलेस है, ये फ्रेम वाले नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये विच भाई सारा कुछ ही चलता है, लाइक तुसी आ देख सकते हो, यूट्यूब चलती है, नेटफ्लिक्स चलता है, अमेजोन चलता है, हॉटस्टार चलता है, तो भाई ये विच सारा कुछ चलता है, ठीक है। बाकी ये वाईफाई ना कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। ये बाकी ये सारा लाइक HD होता है या की होता है? ये सारा HD TV होता है प्रॉपर, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं कि आप डिस्प्ले में कोई मूवी देख रहे हो, आपको देख के लगेगा कि ये अलग है या कोई और TV मैंने लिया। सपोज MI के साथ, तो ये MI वगैरह जो ब्रांड के TV आते हैं, ये एग्जैक्ट वही चीज है, उससे बेटर ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये अपने को साइज फिर किड्डे किड्डे मिल जाता है, 2 इंच है, इसके बाद 40 आता है, फिर 43, 50, 55, 60 सारे मिल जाएंगे, सारे साइज़। ये स्टार्टिंग प्राइस कितने की दी है? ये 32 इंच का स्मार्ट TV है, ये स्टार्टिंग मतलब 32 में एक ही मॉडल है और ये सबसे टॉप मॉडल है, ठीक है। ये फ्रेमलेस आती है, आपको 6800 का मिलेगा विद 1 ईयर वारंटी विद वॉल माउंट GST पेड एवरीथिंग। क्या बात है, मतलब भाई जे किसी ने अपना वधिया सारना है, ठीक है, तो वो वधिया इहदे नाल सार सकदा है, नाल सार सकदा कहदा वी वधिया अपना काम ले सकदा, ठीक है। तो इस करके इहनूं तुसीं चला सकदे हो, बाइक कोलों ले सकदे हो, ऑर्डर वास्ते तुसीं कॉल कर सकदे हो बाइक कोले, ते सारे तरहां दे जिहड़ा वड्डे तों वड्डा भाई फिर ओह किन्ने ਕਿਦਾ ਜੈਸੇ 14 ਇੰਚ ਫਰੇਮਲੈਸ ਸਮਾਰਟ TV ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ 10,500 ਮੇਂ, 43 ਇੰਚ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ 11,500, फिर 15 इंच आएगा, वो 4K में शुरू होता है, 15 से 4K शुरू होता है, ठीक है। वो आपका आएगा 22,500 में, वो भी फ्रेमलेस वॉइस कमांड के साथ, 55 इंच, 27,500 में, ठीक है। वो जो सारे वो डेढ़ा उदा तो मेरे ना मार्केट कोई लैन चल जाए तो 1.5 लाख का होगा,
हर ब्रांड में अपने अपने अलग अलग सभी जो इंपोर्ट के बेस से इसमें एटलीस्ट हमारा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। ठीक है ते दोस्तों ये हुण तुहानू दिखाउने आ असीं जिहड़ा एक्चुअल दे विच वड्डे तों वड्डा सारे नालों हैना टीवी हैगा इसके ऊपर भी 75 वाट है वो तो यहां खोलने के लिए एक थोड़ा कन्वीनियंट है वो भी अवेलेबल है बट इच एक खास गल है पहली ते गल तुसीं ये देख सकदे हो भी ये भी हैना इहदे भी ये फ्रेमलेस है ये ओरिजिनल 4K है इसमें ओरिजिनल वेबओएस सॉफ्टवेयर है जो कि LG का होता है। आप रिमोट में भी देख सकते हो देखो यहां पर लिख के ना पूरी दुनिया कॉपी बेचती है चाहे LG लिख दे Samsung लिख दे वो हमारा काम नहीं हम कभी कॉपी नहीं ऐसे लिख के बेचते। आप ये अंदर मेंशन चेक कर सकते हो भाई ये देख लो तुसी अच्छा मतलब सारा ये लिखा हुआ है LG वगैरह सारा LG मेंशन है और LG का ही सॉफ्टवेयर LG का ही सारा सेटअप है। ठीक है और ये LG का ही ओरिजिनल रिमोट है ये बाहर कहीं नहीं मिलेगा। एक चीज मैं भी दिखाना चाहना मैं उरे भाई मतलब कि ये तुसी देख सकते हो प्रॉपर सारा जिदा माउस वर्क करता है उधर स्क्रीन पे भी देख सकते हो उधर माउस भी है इसमें ऐसे या सारा वा इदा वाला जेड़ा तुसी कह सकते हो सारा मतलब एग्जैक्ट वही चीज है सारे बटन ने क्योंकि कई बार कोई बंदे थोड़े ना फील करते हैं कि यार भी ये स्मार्ट टीवी लिया वा रिमोट थोड़ा देसी है पर ये जेड़ा बंदा हैगा इनू देख के तो कोई बंदा जज ही नहीं कर सकता भी केड़ा इस करके तो इधर भाई फिर यदि कॉस्ट भी ज्यादा होगी इसकी कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस पड़ता है क्योंकि इसमें हम ये तो है नहीं अब हम LG से ही वारंटी वगैरह क्लेम करवा रहे हैं सब कुछ वारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर इसमें वेबओएस और रिमोट वगैरह उनका है बाकी पैनल इसमें 4K है। ठीक है डॉल्बी इसमें डॉल्बी साउंड सिस्टम है। ठीक है 2GB रैम है 16GB स्टोरेज है वॉइस कमांड एयर माउस सब कुछ है सारा कुछ है और ये सेगमेंट शुरू होते हैं 15 से सबसे पहले आता है 15 इंच वो आता है 24,900 का। ठीक है फिर आता है 55 इंच वो आता है 28,500 का। ठीक है फिर आता है 65 इंच दिस इज फॉर 43,500 और फिर आएगा 75 वो आते हैं 70,000 का। फिर भी बहुत जायज है मुझे लगता है जिन्हें बंदे ने अपने सारे शौक पूरे करने थे भाई ये फुल HD है ना अच्छा लेकिन इसमें से काफी हमने एक्चुअली ऊपर भी हमने गोडाउन ले लिया ऊपर वाला फ्लोर उधर भी ले लिया तो हमने ऊपर कैबिनेट्स वगैरह काफी प्रोडक्ट ऊपर भी शिफ्ट किया है। यहां पर इतने डिस्प्लेस पेंगे होंगे यहीं पहला मॉनिटर्स अच्छा मॉनिटर्स का तो बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया सेगमेंट। ठीक है अब सारे प्रोफेशनल्स BenQ के मॉनिटर्स भी है मेरे पास गेमिंग में भी पूरी रेंज है। अब देखोगे 32 इंच के स्मार्ट मॉनिटर कोई मर्जी मतलब मॉनिटर में भाई ये किन्ने तो शुरू हो जाते हैं आईडिया मॉनिटर में कोई लिमिट नहीं मेरे पास मॉनिटर 2000 से शुरू होके 80,000 तक का मॉनिटर इस टाइम रेडी स्टॉक है। तो इतने टीवी भी पे होंगे ही पहलियां टीवी है अच्छा ये पे ने टीवी यहां पर भी हमने एक्चुअली ना ये किन्ने तो स्मार्ट टीवी किन्ने तो शुरू कर देने 32 इंच का स्मार्ट टीवी हो जाता है शुरू 6800 से 68 गारंटी वारंटी 1 ईयर वारंटी विद वॉल माउंटेड एवरीथिंग सारा कुछ ठीक है। तो भाई सारा आप देख सकते हो सारे स्क्रीन जिदा की किसी चाहिए है सारे ब्रांड्स की है मतलब ये नहीं चाहे फुल HD हो 2K हो ठीक है 4K हो आपको गेमिंग में 165Hz चाहिए 1/240Hz चाहिए कर्व चाहिए फ्लैट चाहिए IPS चाहिए हर तरह का मॉनिटर मेरे पास सारा मिल जाएगा। ठीक है तो भाई इधर भी ये सारा ही भरया पाया स्पीकर्स वगैरह इंक्स ये प्रिंटर्स आ गए सारे प्रिंटर्स आ गए आप दिखाई देने हैं भाई ये तुसी देख सकते हो सारे ब्रांडा दे प्रिंटर वगैरह ये किन्ने के तो शुरू हो जाते हैं अजकल प्रिंटर देखो 3-4 हज़ार से भी शुरू होते हैं बट मैंने हमने जब लास्ट टाइम ब्लॉग में तब भी बोला था मैं वो इंकजेट प्रिंटर्स नहीं बेचता वो प्रिंटर्स ना एक्चुअली आप ही के लिए नुकसान है उससे बेटर तो बाहर से कॉपी पेस्ट करवा लिया ये प्रिंटर है एटलीस्ट वर्थ इट है। अगर ये प्रिंटर 11,000 रुपए का है ये वाला प्रिंट स्कैन कॉपी 11,000 का प्रिंटर है तो ये 11,000 के अंदर आपको पहले तो बॉटल्स फ्री है बट ये पेज जो निकालता है वो 10 से 12 हज़ार तो कंपनी मेंशन कर रही है एटलीस्ट आपको कलर्ड पेज में भी 20 पैसा पर पेज पड़ रहा है इसलिए वर्थ इट। एक चीज और दस्सो भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है भी शाही सूख गई जां इदां हो इदे जो इंकजेट में आती है नहीं इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा आती है आपने प्रिंटर लिया 15 दिन के अंदर एटलीस्ट मिनिमम एक पेज तो निकाल दो आपको जब 20 पैसा पर पेज पड़ रहा है आप प्रिंटर को स्मूथ रखने के लिए फालतू का कोई निकाल के फेंक दो 15 दिन बाद एक अद्धा पेज काट छोड़ो तो फिर कोई इशू नहीं हां जी फिर कोई इशू नहीं फिर कोई इशू नहीं ठीक है। तो इधर भाई ये सारा सेटअप डिस्प्ले वगैरह इधर होर भी किन्ना कोले बाई कोले भी लाइक स्क्रीनस ही पईयां ने ब्रांड इस वगैरह दियां सारा थोड़ा कट स्पीकर वगैरह भी सके इस करके सारा बाई का स्टोर है इंक्स भी बाई को पाइं ने बई जो प्रिंटर वगैरह ये तो आप कोरियर कर सकते हैं ये चीज ऐसी है जो आप कहीं भी मंगवा सकते हो प्रिंटर हो एसेसरीज भी हो मैं बोलता हूँ ये जो आपने गेमिंग स्टोर देखा है इसमें से अगर आपको सपोज ग्राफिक कार्ड चाहिए मदरबोर्ड चाहिए रैम चाहिए वो चीज कोरियर कराओ उसमें आपका फायदा है मेरे से फायदा ठीक है। लेकिन पूरा PC बनवा के मेरे से कोरियर करवाने का फायदा नहीं है या तो मेरे से पूरे PC के पार्ट्स लो और अपने पास किसी इंजीनियर से बात करके रखो कि आप हमसे 1000 दो मेरे को मेरा PC पूरा असेंबल करके रेडी करके दे दो वो चीज हो वो भी चीज ठीक है और प्राइस भी हाई चल जानी है ना तुम्हारे को प्राइस मेरा ही लगेगा सामान मैं भेज रहा हूँ ठीक है प्राइस मेरा है वो 1000 रुपीज सिर्फ वहाँ उसको असेंबल करके दे रहा है चीज हो सकती है ये भी चीज होती है तो सार करके ये नहीं बाकी हुन साडियां तुसी देखो रील्स ते भाई कुछ होर कहना चाहते हो व्यूअर्स नु बस जब मर्जी आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए IT का कभी भी आप आके विजिट करो और कोई भी प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो प्रोडक्ट की गारंटी तो कंपनी की रहेगी प्राइस की हमेशा मेरी गारंटी रहेगी उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा कभी भी। तो भाई ये लोकेशन की है ते किस नाम नाल है ते किदन ओपन किन्ने तो किन्ने हुंदा है ते की सिस्टम मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर इवनिंग 8 o'clock तक ओपन होता है
एंड जेड आप चंडीगढ़ 22 से 22 सी में आके बहुत ही हमारी प्रीमियम लोकेशन है। जेडब्ल्यू के ऑपोजिट देखोगे तो कंप्यूटर हाउस का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो बाकी भाई फिर भी तुम व्हाट्सएप कर लियो भाई, उन्हें जी चीज़ें थोड़े पहुंचने वाली होंगी कोरियर कर देंगे। बाकी जो बंदा चंडीगढ़ आता इतने विजिट करके अपनी मर्जी ना, ये नहीं भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, चीज़ अवेलेबल होंगे ने। हाँ कोई तुम इन्ना वायरल कर दो इस चीज़ में कि हाँ स्टॉक घट जाए बाई को, गल हो रहा है, पर फिर भी थोड़ा प्रूव करके भाई उन्हें देंगे। तो भाई बहुत ही वधिया लग्या, तो क्योंकि इन सोहनिया चीज़ें आप फिर अपडेट दता है, तो क्योंकि व्यूवर्स को पसंद आऊगा, हरेक बंदा अच्छा चाहता है कि चीज़ा वो को उम्मीद है कि थोड़ा सारा डिमांड पूरी हुई। बाकी सारिया रील्स देख लियो, उत्ते असी होर कंटेंट होर तरीके का पाया हुआ बाई का इंस्टाग्राम से भी, बाई में फॉलो कर लियो, तो बाकी नंबर सेव कर लो, तो शेयर कर दो वो जिन्ना कर सकते हो, चैनल फॉलो कर लियो, तो मिलते हैं होर इदा नवा कंटेंट लैके। बाय, टेक केयर।